हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोपैथोलॉजी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे। जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट निकला है उसके लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। तो यहाँ पर जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे ओपन करके यहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन में क्लिक है ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पर सबका यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। यूज़र नेम आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला होगा, जो भी आप ईमेल डाले होंगे उसमें का जो पार्ट है वो आपको यूज़र नेम के तौर पे मिला होगा, और पासवर्ड आपने जो भी सेट किया होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर से आप लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक कर लेना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं रिक्रूटमेंट पोर्टल में क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है। सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट रेडियोग्राफर 2020 RSSB। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर का यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं लैब टेक्नीशियन के लिए कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें आपको अपना बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पर अपना नाम पूछेगा, फादर्स नेम पूछेगा, मदर्स नेम, जेंडर, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो यहाँ पर पूछा है। तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। आपको पता ही होगा कि इसको कैसे फिल करना है, तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस और बाकी जो पर्सनल डिटेल्स है आपको यहाँ पर वो देना पड़ सकता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में आपको अपना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, 10th 12th आपका डिग्री DMLT, वो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ सकता है। वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ सकता है। पर्सनल डिटेल्स में आपको वहाँ पर जो फोटोज है वो पूछा जा सकता है। आपका साइन जो है वो वहाँ पर अपलोड करना पड़ सकता है। और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोजर में आपको आधार कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन है वो देना पड़ सकता है। तो वीडियो का मकसद यही था कि आपको जानकारी मिले कि इसको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी तक भी ये वीडियो पहुँच सके जो कि इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। थैंक यू।